भारत में G20 सम्मेलन के अवसर पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 55.74 स्क्वायर मीटर यानी 600 स्क्वायर फीट लंबी म्यूरल पेंटिंग तैयार की गई। यह पेंटिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश के नायर एवं उनके 11 विद्यार्थियों द्वारा एयरपोर्ट की डायरेक्टर अरिमा सान्याल के सहयोग से तैयार की गई, जिसने अब यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। यह म्यूरल पेंटिंग एयरपोर्ट से आने जाने वाले हर यात्री के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस पेंटिंग में 330 कमल के फूल के डिजाइन है और बीच में आईने से बना हुआ एक शिवलिंग का आकार है, जिसमें देखने पर आप खुद को देख सकते हैं, जिससे वेद के महावाक्य तत्वमसि यानी वह तुम ही हो की शिक्षा मिलती है। यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से ये प्रदान किया गया। एयरपोर्ट पर जगदीश पिल्ले जी जो है यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से वो लेकर आए थे और उनकी कुछ साथी भी आए थे, प्रोफेसर सुरेश नायर और एयरपोर्ट डायरेक्टर को आज ये सुबह ये दोनों सर्टिफिकेट जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सबसे बड़ा शिवलिंग का वर्ल्ड म्यूरल के लिए प्रदान किया गया। लेंथ ऑफ ब्रेथ अगर आप दोनों ले लें तो ये 20 feet by 30 feet का है। इसमें जो सर्टिफिकेशन में दिया गया एग्जैक्ट मैं बता देती हूँ, 55.74 स्क्वायर मीटर्स एरिया का, मेजरिंग 6.096 × 9.144 मीटर्स का जो वॉल में ये शिवलिंग का जो म्यूरल बना गया, इसके लिए हमको ये प्रदान किया गया। G20 हमारे यहाँ मार्च महीने होने वाले थे, 2 महीने पहले हमने सोचा कि ऐसे एक वॉल पेंटिंग बनाना चाहिए और हमने BHU में प्रोफेसर सुरेश नायर जी को अनुरोध किया और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। वो रोज क्लास की बाद आते थे, हम गाड़ी भेजते थे उनको, वो और उनकी पूरी टीम 10-11 छात्र आते थे और ये करीब करीब 2 माह से ये बना। इस पे विशेष बात ये है कि इस पेंटिंग की शुरुआत में मैंने भी इस पे मेरा एक प्रतिष्ठा किया उनके गाइडेंस पे, प्रोफेसर नायर की गाइडेंस पे, और हमारे आने जाने वाले पर्यटक के अंदर आर्टिस्ट भी ज्वाइन किए, विदेशी आर्टिस्ट भी जो आते जाते गए बनारस में, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और कई देशों से, फ्रांस से, वो लोग भी इसके अंदर कोलाबोरेशन किए। तो ये कोलाबोरेटिव आर्ट वर्क हमने ये बनाया कि शिव भूमि से जो यात्री जाएंगे तो उनको भगवान शिव शंकर मूर्त होंगे। और इस पेंटिंग का खास बात यह है कि ये इसके अंदर 330 जो है लोटस, इन्वर्टेड लोटस जो दर्शित होते, और आप जब नज़दीक जाते तो खुद को पाते, क्योंकि सबसे अंदर का जो शिवलिंग है वो एक मिरर के द्वारा बनाया गया है, जिससे आप जब भगवान के नज़दीक जाते तो पाते कि ईश्वर अंदर है, हमारे खुद के अंदर है। तो ये बहुत सुंदर शिव भूमि शिवलिंग का दर्शन करते हुए यात्री जब वाराणसी से यात्रा करते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ, हम शिव भूमि से जुड़कर शिव जी को साथ में लेकर जा रहे हैं। मैं यहाँ पर पेंटिंग से म्यूरल कर रही हूँ और सर के अंडर में मैं काम करती हूँ, उसे सीखती हूँ। पहली बात तो ये है कि इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ, अब ये इसको पूरी दुनिया लगभग देखेगी, सब तक पहुँचेगा। ये टेक्निक नया था बनारस के लिए भी, हमारे लिए भी नया सीखने को मिला बहुत कुछ। और हम लोगों ने भी, सर ने तो मेहनत की, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत मेहनत किया उसमें। और हम लोग यहाँ से जाते थे, 1 घंटा लगभग हम लोग का रास्ता होता था, उसके बाद पहुँचते थे, फिर 2-3 घंटे हम लोग काम करते थे और फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर काम करने के बाद फिर वापस आना। रोज डेली हम लोग अप डाउन करते थे और हम लोग वहाँ पे एक एक टेक्निक मतलब करते थे, सर हम लोग को बताते थे। सर के अंडर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी, हम लोग जो वहाँ पर किया है हम लोगों ने इससे बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिला और सीखने को मिला। और आज ये बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट उसमें मिल रहा है। यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इस म्यूरल पेंटिंग को बनाने में सहयोग देने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सौरभ श्रीवास्तव, पुलक के सरकार अरुणिमा मोंडल, काजल वर्मा, मानसी शाह, आस्था तिवारी, तेंजिन योनटेन, नूरबू ताशी, तेंजिन न्यूडॉन, श्रुति गुप्ता एवं प्रिया गुप्ता को भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। यह काशी नगरी और वहां के रहवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है।